नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक, हमारे खास कार्यक्रम आपकी प्रॉपर्टी के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी चरण में है और इस साल आम चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आने वाला है अंतरिम आम बजट और हर बार की तरह रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस साल के बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। आखिर क्या चाहता है ये सेक्टर, ये जानने के लिए हमने हीरा नंदानी और डीएलएफ से लेकर इस मार्केट से जुड़े कई डेवलपर्स से बातचीत की। पहले उनकी उम्मीदें, उनकी मांगे, उनका नजरिया जान लेते हैं और उसके बाद दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए। पहले डेवलपर्स की उम्मीदें, उसके बाद चर्चा। मेरे अंदाज से आपको देखना है कि आज की तारीख में लोग हिचकिचाहट करते हैं कि 12% जीएसटी हम नहीं दें, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा है कि कंज्यूमर बॉडी को बहुत ही चैलेंज हो रहा है, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो जीरो जीएसटी लगता है। इसलिए इसको जो कंज्यूमर बॉडी रेजिस्टेंस कर रहे हैं, इसके द्वारा हम सुझाव देना चाहते हैं कि इसको 8% विद आईसीटी होना चाहिए या 5% विदाउट। लेकिन मेन मुख्य क्या है, ये कंज्यूमर बॉडी का रेजिस्टेंस है और हमें हाउसिंग फॉर ऑल पहुंचना है तो इसको रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता है। एक साल घर को बेचते नहीं है कंप्लीट करने के बाद तो आपको एक टैक्स लगेगा नोशनल इनकम पे, बेशक वो घर किराए पे लगे ना लगे उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मेरे विचार में वो भी गलत है, क्योंकि एक तरफ तो अगर आपका घर ना बिके तो उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो लागत उस पे हुई है, पैसा लगा है, और दूसरी तरफ आप टैक्स भी ले लें, तो दो तरफ से मार क्यों पड़े।